लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लेकिन इस तरह से अचानक अब्बू कहाँ चले गए? जब मैं बेडरूम में गई तो वहां पर नहीं थे। मैंने उन्हें पूरे घर में तलाश करने की कोशिश की लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। उनके लिए फोन तो नहीं आया था? हाँ, फोन तो आया था और मैं किचन में थी। मैंने उन्हें फोन पर किसी से बात करते हुए भी सुना लेकिन वो किसका फोन था, क्या बात कर रहे थे, कुछ पता नहीं चला। वो गुस्से में बात कर रहे थे या नॉर्मल तरीके से? बात तो गुस्से में ही कर रहे थे। आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कितने गुस्से में वो किससे बात कर रहे थे? अन्ना ठीक कह रही है अम्मी, आपको ये पता लगाना चाहिए था कि वो गुस्से में किससे बात कर रहे थे। क्या बताऊं बेटा, कमबख्त इस जहन ने उस वक्त काम ही नहीं किया। मुझे लगा कि शायद ऑफिस स्टाफ में से किसी का फोन आया होगा, किसी पर नाराज हो रहे होंगे। या अल्लाह, वो जहां भी है उन्हें खैरियत से घर पहुंचा दे। जहां भी है, जिस हाल में भी है, तो ही उनकी हिफाजत करने वाला है अल्लाह। अम्मी आप परेशान मत होइए, वो जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और जल्द घर लौटेंगे। भाईजान, आप अब्बू के मोबाइल पे फोन कीजिए ना। अरे हाँ, परेशानी में मुझे तो ये ख्याल ही नहीं आया। जल्दी से फोन लगा अब्बू को। जी अम्मी। अम्मी, अब्बू का फोन बंद है। या अल्लाह, अब हम अब्बू को कहाँ ढूंढेंगे? कोई और रास्ता भी नहीं नजर आ रहा। अल्लाह, अब्बू जहां पर भी हो उन्हें सही सलामत अपनी हिफाजत में रखना। उनके आते ही मैं शुक्राने की नमाज अदा करूंगी। आपकी तारीफ। नोमान मलिक, फ्रॉम क्राइम ब्रांच। मैं हारिस के केस की तफ्तीश कर रहा हूं। माफ कीजिएगा, आपसे पहली बार मिल रहा हूं इसलिए पूछना पड़ा। आपने मुझे पहली बार देखा है मगर फोन पर मैं आपसे गुफ्तगू कर चुका हूं। मुझे इस बात का इल्म नहीं। हारिस का प्रोजेक्ट ना शुरू करने का मशवरा फोन पर मैंने ही आपको दिया था। ओह, तो वो आप थे, मगर उस वक्त आपने मुझे अपने बारे में नहीं बताया। देखिए अली साहब, हमारी जॉब ही कुछ ऐसी है कि हमें कभी कभी लोगों से बहुत कुछ छिपाना पड़ता है। आप वजह फरमा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं आप मुझे हारिस के प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए क्यों रोक रहे हैं? उसकी खास वजह है, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हारिस का प्रोजेक्ट शुरू हो। कौन है वो लोग? उन लोगों को पता नहीं चल सका, इसलिए मैंने फोन पर आपको आगाह किया था ताकि हारिस के दुश्मन आपका कुछ नुकसान न कर दें। आज जो भी हुआ है ये कोई हादसा नहीं है। उस अजनबी का मर्डर करने की कोशिश की गई है। क्या? आप होशियार रहिए, बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब कि अली साहब इस तरह अचानक कहां गायब हो गए। देखिए, आप तफसील से सब कुछ बताइए तभी मैं किसी फैसले पर पहुंच सकता हूं। खाने से फारिग होकर वो बेडरूम में चले गए। उस वक्त मैं किचन में थी मगर किचन का काम खत्म करने के बाद जब मैं बेडरूम में गई तो वहां नहीं थे। घर में उनके साथ किसी की कोई नाराजगी? जी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे अब्बू की ऐसी आदत है, अगर कोई गलती करता भी है तो वो डांटते नहीं है, समझा देते हैं। ऑफिस में कभी उनके साथ किसी की कोई तकरार हुई हो
इसका मुझे इल्म नहीं है। किसी और के साथ कोई दुश्मनी? जी हाँ, ऑफिस में दो बार धमकी भरे फोन आए थे उनके पास। जी, इस बात का इल्म है मुझे। असल में इस मसले के बारे में उन्होंने खुद पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अच्छा, एक बात बताइए, घर जाने से पेशतर उनके पास कोई और फोन आया था? हाँ, फोन तो आया था, मगर मैं किचन में थी इसलिए फोन पर क्या बातें हुई ये सुन नहीं सकी, और फोन सुनने के बाद वो घर से चले गए। उसके बाद उस फोन पर कोई फोन आया था? जी नहीं। आपके घर का फोन नंबर क्या है? 2839-9595। मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी प्लीज। शुक्रिया। हेलो, हाँ देखिए, मैं इंस्पेक्टर अंकुश पवार बोल रहा हूँ, मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जरा प्लीज ये बताएंगे कि फोन नंबर 2839-9595 पर आखिरी बार किस नंबर से फोन आया था? अजनबी के फोन पर किसने फोन किया होगा? शायद इससे कोई सुराग मिल जाए। इंस्पेक्टर। हेलो। हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर अंकुश पवार बोल रहा हूँ, आप कौन? हेलो सर, मैं सब इंस्पेक्टर इलियास बोल रहा हूँ। इलियास, ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? किसका फोन है ये? सर, एक एक्सीडेंट के केस के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ क्राइम ब्रांच के ऑफिसर मिस्टर नुमन मलिक भी है। जरा उन्हें फोन देना। ओके सर। हेलो मलिक स्पीकिंग, ये फोन नंबर आपके पास कहाँ से आया? देखिए, अली साहब के घर पर इस मोबाइल से फोन आया था, मैंने टेलीफोन एक्सचेंज से यह नंबर हासिल किया है। ये मोबाइल किसका है? उसी अजनबी का है जिसने अली साहब को फोन करके बुलाया था। अली साहब कहाँ हैं? यही है हमारे पास। और उस अजनबी का क्या हुआ? आखिरी सांसें ले रहा। क्या उसने ये जाहिर किया कि उसने अली साहब को फोन क्यों किया था? नहीं, हम अभी तक उससे कुछ उगलवा नहीं पाए। जरा प्लीज अली साहब से बात करवाएंगे मेरी? जी बेहतर है। हेलो जी, फरमाइए। अली साहब, आप घर में बिना किसी को कुछ बताए चले गए, सब लोग आपको तलाश करते करते परेशान हैं। कम से कम आपने घर पे फोन तो कर दिया होता ताकि उन्हें कुछ तसल्ली मिलती। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं करता भी तो क्या? मुझे अचानक फोन आया और फोन पर उस अजनबी ने मुझे उससे मिलने के लिए बुलवाया, इसलिए मैं फौरन वहां चला गया। और यहां जब अस्पताल पहुंचा तो यहां जो हालात बने हुए हैं, एक अजीब सी मुसीबत में फंस गया हूं। आप एक काम कीजिए, मेरे घर वालों से कह दीजिए मैं खैरियत से हूं और बहुत जल्द घर आ जाऊंगा। जी बेहतर है, शुक्रिया। हाँ
बोलो बोलो, तुमने तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपको बोलो, बताओ हारिस का, बताओ मुझे, तुम मेरे हारिस के मर्डर के बारे में क्या जानते हो? हारिस का बोलने की कोशिश करो। हारिस का मर्डर, खुदा के लिए तुम जो जानते हो मुझे साफ साफ बता दो। बोलो बोलो, हारिस का मर्डर किसने किया? एक आदमी ने उसका। क्या तुम उस आदमी को जानते हो? खुदा के लिए कुछ तो कहो, उसका बताओ मुझे। आपको इस तरह बताए बगैर नहीं आना चाहिए था। आप नहीं जानते हम लोगों का कितना बुरा हाल हुआ है। हम समझ सकते हैं बेगम, आपकी नाराजगी बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम करते भी तो क्या, एक अजीब उलझन में फंस गए थे हम। उस अजनबी से मिलना हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया था। इसके वक्त बर्बाद किए बगैर हम वहां चले गए। उस अजनबी से कुछ पता चला? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले कि वो हमें कुछ पता था वो गुजर गया। आखिर वो आपको बताना क्या चाहता था? सब कुछ। वो हमारे हारिस के बारे में सब कुछ जानता था। क्या जानता था वो? हारिस के कत्ल के बारे में सब कुछ। क्या हारिस का कत्ल हुआ है? भाईजान का मर्डर? लेकिन उनका तो एक्सीडेंट हुआ था ना? जी नहीं जनाब, उनके मर्डर को एक हादसा बनाने की कोशिश की गई थी। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप इस बात को सच मानते हैं तो फिर हारिस के कत्ल के बारे में सब कुछ जानते होंगे। जी नहीं, इस केस की तफ्तीश अभी जारी है। अब केस सीबीआई के हाथों में है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं। नतीजा बहुत जल्द सामने आएगा। मुझे तो पहले से ही शक था कि मेरे शौहर के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मान रहा था, किसी को कोई फिक्र नहीं थी। ये तुम्हारा वहम है, हारिस हमारा भी बेटा था। अम्मी, आप लोग वाकई लापरवाह हो गए थे। ये तुम किस बिना पर कह रही हो? उस वक्त हारिस के हादसे को भूलकर सबकी नजरें मेरे ऊपर थी। मैं सबको एक अजूबे की तरह लग रही थी। काश आप लोगों ने मुझे कबूल कर लिया होता तो आज हारिस का कातिल अरेस्ट हो चुका होता। अभी बेटे, बेटा जो हो चुका है उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। अल्लाह ताला जो करता है उसमें उसकी कुछ मसलियत होती है। अब बेटा देर से ही सही, मगर जो हो रहा है
बिल्कुल ठीक हो रहा है बेटे। हाँ भाभी जान, अब वो ठीक कह रहे हैं। रफ्ता रफ्ता इस घर में आपकी कदर भी होने लगी है और जल्द से जल्द हारिस भाईजान का केस भी सॉल्व हो जाएगा। हेलो। हेलो ताहा, उनेजा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। मैं अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। मैं अभी आया। आप तो बड़े बेदर्द, जब तक आपको फोन करके मिलने के लिए बुलाओ नहीं, आप मिलने की कोशिश ही नहीं करते। अब क्या बात बताऊं मैं सर, इतनी टेंशन में घिरा हूं कि तुमसे मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा। अच्छा, अभी तो आपने अब्बू का बिजनेस संभाला भी नहीं और अभी से आप टेंशन में रहने लगे। बिजनेस के अलावा भी सैकड़ों टेंशन होती है और उन सैकड़ों टेंशन में एक टेंशन झूठ बोलने का भी, एक टेंशन दो बहनों की जिंदगी बर्बाद करने का भी। ये क्या बकवास किए जा रही हैं आप? बगैर सोचे समझे जो मुंह में कही जा रही हैं। उनेजा, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूं और आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है ना कि ताहा से मेरा क्या रिश्ता था? बाजी, ताहा ने मुझसे रिश्ता इसलिए बनाया क्योंकि आप इनके काबिल नहीं। आप इनके प्यार का जवाब प्यार से नहीं दे सकती। बाजी, अगर ताहा ने मेरे सामने घर से भागने का इरादा जताया होता ना, तो आज मैं नई दुनिया बसा चुकी होती, समझिए। उन्हें सही कह रही है। ये बहन नहीं दुश्मन है मेरी, इससे कभी मेरी खुशी देखी नहीं जाती। इसने मेरे खिलाफ तुम्हें बहकाया है। उनेजा, अल्लाह तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगा। ठीक नहीं कर रहे हो, ये प्यार नहीं मजाक है। मजाक ये मजाक नहीं है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो सच है। शायद तुम नहीं जानते कि खुदा की निगाह में ये बहुत बड़ा गुनाह है। बेशक गुनाह है, मगर मैं ये गुनाह करने पे मजबूर। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुम इतना बड़ा गुनाह करने जा रहे हो? मुश्तबा साहब ने मेरे अब्बू को जलील किया, उनकी बेइज्जती की। मैं उनकी इज्जत सरेआम नीलाम कर दूंगा, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बस यही मेरा मकसद है। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ बेटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुश्तबा साहब की गलतियों की सजा उनकी बेटियों को दी जाए। मुश्तबा साहब फरेबी इंसान है, अब्बू ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, जमीन से उठा के आसमान पर रख दिया, बिजनेस में अपना पार्टनर बनाया, इसके एवज में अब्बू को क्या मिला? रुसवाई? और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे इंसान से हमदर्दी करूं? नहीं मामूजान, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा तो कभी नहीं था। ये अचानक इसमें बदलाव कैसे आया? आप